हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं संदीप कुमार आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स हम इस वीडियो में सियासत हेड कॉन्स्टेबल की नई रिक्वायरमेंट के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जो अभी अभी आपके फॉर्म आए हैं। मैं आपको न्यूज सबसे पहले दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के बारे में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपके ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सियासत हेड कॉन्स्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2019। गाइस जो अभी फॉर्म आए हैं, हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट है आपकी इसमें सीआईएसएफ में। ठीक है, नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ओरिजिनेशन सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फोर्स सीआईएसएफ। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए मेल फीमेल के लिए, यहाँ पे जो भी मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया टू फिलअप 300 वैकेंसी ऑफ हेड कॉन्स्टेबल। इसमें गाइस आपकी 300 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल, जिनके पास भी स्पोर्ट्स कोटा है ये वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ आप देख सकते हैं, इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा फोर। ठीक है गाइस, जो भी मतलब स्पोर्ट कोटा वाले पर्सन है जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आराम से। गाइस नीचे चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके पास गाइस इनमें से किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास गाइस यहाँ पे आराम से देख लीजिए, ऐसा आपके पास एथलीट का हो, बॉक्सिंग का हो, बास्केटबॉल का हो, ठीक है, जिमनास्टिक का हो, या फुटबॉल का हो, या हॉकी का हो, या हैंडबॉल का हो, जूडो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आराम से गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पे कबड्डी का हो, शूटिंग का हो, स्विमिंग का हो, वॉलीबॉल का हो, वेट लिफ्टिंग का हो, आपके पास रेसलिंग का हो, लाइक कमांडो का हो। ठीक है, आपके पास कोई भी हो गाइस इनमें से जो आपको मैंने बताए हैं, आप इनको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, आप ये साइट सरकारी myjob.com साइट है ये। ठीक है, आपको इस साइट के ऊपर आके चेक कर, मैं आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आराम से आप चेक कर लेना आपके पास किसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास स्पोर्ट्स में इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोस्ट का नेम गाइज हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि मेल फीमेल दोनों उसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जॉब लोकेशन, गाइज आपकी ड्यूटीज में मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी आ सकती है, ऑल इंडिया। अप्लाई मोड गाइज आपको ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, आप इस फॉर्म को गाइज ऑफलाइन फिलअप कर सकते हो, ना कि ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गाइज इसमें गाइज अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, आपके पास प्लस टू पास होनी चाहिए, अपने पूरे इंडिया से कहीं से भी आपने प्लस टू पास कर रखी हो। ठीक है, और गाइज यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, आपके पास गाइज नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्टेट या नेशनल का, दोनों में से कोई भी हो आपके पास, वो आपका किसमें काम देगा। ठीक है, और फिर नीचे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगर आप किसमें आपकी एज, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एज लिमिट, अगर आप किसमें एज की बात की जाए, आपकी इसमें एज 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आपकी 18 कम से कम होनी चाहिए, 23 आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 1/8/2019 के हिसाब से। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी एज में। ठीक है, और ओबीसी को 3 साल की मिलेगी। अगर इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी की इसमें 100 रुपीज फीस है, एससी एसटी की इसमें कोई फीस नहीं होगी गाइस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। हाइट आपकी इसमें 167 सेंटीमीटर होनी, चेस्ट आपकी 81 से 86 के बीच में होनी चाहिए, 81 बिना फुला, 86 फुला के। ठीक है, और जो भी वुमेन है फीमेल है गाइस, उनका 157 इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए, जो भी फीमेल है। ठीक है, और जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी इसमें आपकी हाइट मांगी है 160, आपकी चेस्ट 81 से 86 होनी चाहिए, और हाइट आपकी 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए। ठीक है गाइज, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस आराम से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आपसे मांगा गाइज यहाँ पे देखिए 40 से मार्क्स से आपको मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल टेस्ट होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए गाइज यहाँ पे ट्रेल टेस्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स गाइज, जिस पे आपने मतलब आप जिस स्पोर्ट्स से आप गेम को मतलब इस फॉर्म को फिलअप करोगे, आपसे सबसे पहले उसका आपसे मतलब जायजा लिया जाएगा, वहां से आपकी उसमें ट्रेल आपका ट्रेल होगा वहां पे, जिस भी आप मतलब कोटे से फॉर्म भरोगे। ठीक है, जिस सर्टिफिकेट लगा के आप फॉर्म भरोगे आपका सबसे पहले वो आपका वही होगा वहां पे। इसमें आपका मेडिकल भी होना है, फाइनल सिलेक्शन आपके मतलब सब कुछ होना है। इसमें आपका रिटन टेस्ट भी है इसमें, यहाँ पे देखिए टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स, आपका 40 नंबर का आपका पेपर होगा इसमें, स्टार्ट में आपका ट्रेल होगा जिस भी आप सर्टिफिकेट से फॉर्म को फिलअप करोगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई गाइज, जो आपकी इसमें लास्ट डेट रहेगी 17 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप आराम से कर सकते हैं गाइज, आपके पास काफी समय है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स आपको इसी रिलेटेड में से कोई भी न्यूज में डाउट लगे आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। लोग
और हाँ दोस्तों, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आपसे कोई न्यूज मिस ना हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।